हमारे आज की पहली कर्मवीर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2019 में 100 मीटर्स की श्रेणी में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्प्रिंटर दूति चांद हैं। और हमारी आज की दूसरी कर्मवीर ढींग एक्सप्रेस यूरोपियन सर्किट में 3 हफ्तों में 5 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड और हाल ही में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा दास जी हैं। दोनों का स्वागत किया जाए तालियों के साथ। तो हम चाहते हैं कि इनकी मदद करने के लिए एक चैंपियन आ जाए यहां पर और हम उस चैंपियन को आमंत्रित करना चाह रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, केबीसी के पवेलियन एंड से आपके सामने बिना हेलमेट और पैड पहने हुए आ रहे हैं हमारे आज के चैंपियन, जिनकी बल्लेबाजी सिर्फ छक्के मारना नहीं, छक्के छुड़ाना भी जानती है। इनकी सेंचुरीज और इनकी कमेंट्रीज दोनों ही लाजवाब हैं और ये खुद बहुत ही हाजिर जवाब है। नजफगढ़ के नवाब अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है गुरु का सर, मेरे लिए बड़े गर्व की बात। आप यहाँ पर आए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आज आपको क्यों लगा कि आपको इन दोनों बेटियों को एक सहयोग के रूप में आना चाहिए। सर, बड़ी देर बाद बुलाया, मैं तो पिछले 11 सीजन से इंतजार कर रहा था कि आप हमें यहाँ बुलाएंगे। बड़ी से बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि दूती चंद का मैंने एक इंटरव्यू किया है और हिमा दास के बारे में हम सब ने देखा है, तो मुझे लगा कि मुझे इनका साथ जरूर देना चाहिए। पता नहीं कि कितने इन्हें पैसे आज जिता पाऊंगा, लेकिन कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज इनको जिताएं ताकि ये आगे उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सके। और सर, आपका शो हो और आप कभी भी बुलाएं तो मैं मना कर ही नहीं सकता। हिमा, आप बैठेंगी हमारे वीआईपी चेयर पे और वीरू भाजी और दूती चांद जी पहला खेल खेलेंगे हमारे साथ। थैंक यू। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत वीरू भाजी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट दूती चांद, वीरू भाजी। पहला प्रश्न आ रहा है ₹1,000 इसका मूल और वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। यात्री विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान इनमें से क्या यात्रियों को अनिवार्य रूप से करने की घोषणा की जाती है? ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट व्हिच ऑफ दीज कंपल्सरी एक्शंस फॉर पैसेंजर्स इज अनाउंस्ड? ए डू नॉट टॉक, बी डू नॉट ड्रिंक वाटर, सी टेक द स्पेक्स ऑफ, डी फास्टन योर सीट बेल्ट्स, बात मत कीजिए, पानी न पीजिए, चश्मा उतार दें, सीट बेल्ट को बांध लें। डी जी। क्या करें? लॉक कर दें। ओके, डी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, ₹1,000 जीत गए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। ₹3,000 इसके लिए मिलेंगे आपको और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे, आपको बताना पड़ेगा विच कंट्री हैज दिस नेशनल फ्लैग। कैन वी हैव द इमेज प्लीज?
पता है? बांग्लादेश। अभी हमने ऑप्शन तो डाला नहीं। ऑप्शन सुनिए, ए मालदीव्स, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मलेशिया। बोलिए। सी बांग्लादेश। सी बांग्लादेश पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, इससे पहले ही इन्होंने सही उत्तर दे दिया। बहुत सही जवाब, 3,000 रुपए जीत गए आप। पांचवें प्रश्न का मूल्य है 10,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रहा। ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें त्रिभंग मुद्रा दर्शाई जा रही है? Which classical dance form is this depicting the त्रिभंग pose? हम आपको एक छवि दिखाएंगे, ये इमेज देखिए। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, ए ओडिसी, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी मोहिनीअट्टम। एक। श्योर? यस। ताला लगाने लायक? सी। तुरंत जवाब दे दिया, क्या करें? लॉक कर दिया। लॉक कर दे। ए ओडिसी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। अब आ रहा है आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या असम में मनाया जाने वाला फसल से जुड़ा एक पारंपरिक त्योहार है जो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है? विच ऑफ दीज इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम विच इज ट्रेडिशनली ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल? ऑप्शन सुनिए, ए जेठ बिहू, बी रोंगाली बिहू, सी माघ बिहू, डी कोंगाली बिहू। सर बी रंगाली बिहू। बी रोंगाली बिहू। श्योर हैं? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दे। बोलिए। बोलिए। लॉक कर दे। ताला लगा जाए सर। ओके, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, रोंगाली बिहू। सुधीशान जी, आपसे मिल करके, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम चाहते हैं कि हिमा जी आपकी जगह आए और आप वहां पर जाकर के विराजमानिए। एक बार फिर बिग हैंड फॉर द्युति चांद। अब आ गया है खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। रेडी हिमा जी, वीरेंद्र पाजी? जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। '93 से '96 के बीच मदनलाल खुराना कहां के मुख्यमंत्री थे? Where did मदनलाल खुराना serve as the chief minister between 1993 and 1996? ऑप्शन सुनिए, ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी दिल्ली। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफ लाइन है, 3 अभी भी बची। सर एक लाइफ लाइन यूज करें। कौन सी लाइफ? 50-50। शांत हो जाए घड़ीमान जी, 50-50 यानी कि 2 में थोड़ा गड़बड़ है। कौन कौन से हैं ये? सर दिल्ली और पंजाब। ओके, लाइफ लाइन इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत ऑप्शन है इन्हें मिटा दीजिए। एक बचा है हरियाणा, एक बचा है दिल्ली। मुझे शायद दिल्ली लगा। सर डी दिल्ली। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। जी सर, ताला लगा। कमी नवाज है डी दिल्ली कह रहे हैं, ताला लगा जाए। दिल्ली के बारे में आपको कैसे मालूम हिमा? सर सर से हेल्प लिया है थोड़ा सा। सर ने हेल्प किया? सर गलत हो गया, बच्चे बड़ी गाली देंगे। और नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल सही जवाब। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने, तालियां बजती रहे, चेक आ रहा है इनके नाम। ये रहा आपका चेक, 3,20,000। वेल डन। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल है 6,40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
ये कौन सी ट्रॉफी है? बीमा को एक चित्र दिखाएंगे, आपको बताना है ये कौन सी ट्रॉफी है। कैन यू सी द इमेज प्लीज? देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। वीरूपा जी हंस रहे हैं। ए स्टैनली कप, बी द एशेज, सी ड्यूरेंट कप, डी रणजी ट्रॉफी। मालूम डी रणजी ट्रॉफी है। दी एशेज सर। बी डी एशेज सर। क्या करें सर? बी को लॉक करें। दी एशेज। दी एशेज बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट वीरूपा जी। एशेज शब्द जो है ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर द स्पोर्टिंग टाइम्स में प्रकाशित एक व्यंगपूर्ण आर्टिकल से आई। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। के विद्रोह में ब्रिटिश सैनिकों ने किस ब्रिगेडियर के नेतृत्व में नजफगढ़ की लड़ाई में जीत प्राप्त की थी? भाई साहब मुझे मालूम है आप सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कि आपको इसका उत्तर मालूम नहीं है, इस वजह से कि आपके बेटे को इसका उत्तर मालूम है और मांग लेंगे वो आपसे 12,50,000 रुपए। विच ब्रिटिश ब्रिगेडियर लेड हिज ट्रूप्स टू विक्ट्री इन द बैटल ऑफ नजफगढ़ इन द 1857 अपराइजिंग? ए Herbert Edwards, B. James Abbott, C. Rennell Taylor, D. John Nicholson. सर लाइफलाइन लें। नवाब है सर आप नजफगढ़ के, इतना तो मालूम होना चाहिए था। ओके, लाइफलाइन आप इस्तेमाल करेंगे। दो बची हुई आपके पास, एक है फ्लिप द क्वेश्चन यानी हट जाएगा और आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और हमारे पास एक सूची है 11 विषयों को लेकर के, ये रही वो सूची। और आप में से इनमें से किसी एक विषय को आपने चुना, हम तीनों ने सर मिलकर, और वो विषय था स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर अगला प्रश्न है हिमा जी के लिए और वीरूपा जी के लिए पेश किया जाए। पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक ने 100 मीटर दौड़ का एशियाई खेलों में किस भारतीय का रिकॉर्ड 1954 में तोड़ा था जिस पर नेहरू जी ने उन्हें फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया नाम दिया था? सर इसका जिक्र भाग मिल्खा भाग में था, मूवी में। विच इंडियंस 100 मीटर एशियन गेम्स रिकॉर्डेड पाकिस्तानी स्प्रिंटर अब्दुल खालिक ब्रेक इन 1954 एंड वाज कॉल्ड द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया बाय नेहरू? ऑप्शन सुनिए। ए मिल्खा सिंह, बी एरिक प्रभाकर, सी लेवी पिंटो, डी माखन सिंह। बहुत आराम से सोचिए, कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान उत्तर होगा इसका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपके पास। सर हमको मिल्खा सिंह लग रहा है क्योंकि बाकी और नाम हमने सुने नहीं, बट शोर होने की लाइफलाइन का इस्तेमाल। ओके, आपके सिर्फ एक लाइफलाइन बची है, एक्सपर्ट एडवाइस, आस्क द एक्सपर्ट। ओके, आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट लेंगे, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और अर्चना जी आपकी बारी आ गई है। प्रश्न आपके पता ही होगा लेकिन मैं फिर पढ़ के सुनाता हूं आपको। पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक ने 100 मीटर दौड़ का एशियाई खेलों में किस भारतीय का रिकॉर्ड 1954 में तोड़ा था जिस पर नेहरू जी ने कहा और उन्हें फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया नाम दिया था? चार ऑप्शन है और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ए मिल्खा सिंह, बी एरिक प्रभाकर, सी लेवी पिंटो, डी माखन सिंह। इसका जवाब है लेवी पिंटो। मैं सुन रही थी, घबरा रही थी कि आप चूज न कर लें, तो ये 1952 ओलंपिक्स में भी इन्होंने भाग लिया था, तो द आंसर इज लेवी पिंटो। कुछ पूछना चाहेंगे अर्चना जी से? थैंक यू मैडम, यही इसको जी लॉक कर, लॉक कर दिया जाए जी। सी लेवी पिंटो, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
अर्चना जी यू एब्सोल्युटली राइट और 12,50,000 रुपए जिता दिए।